हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आ जाओ जल्दी से, आपकी एक और विशेष क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे और पढ़ाएंगे। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन फिर भी एक बार जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। तो इन्हीं उम्मीदों को जिंदा रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस क्लास को लेकर के। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रो। भाई हिंदी में समझ लो यार, कह रहा कि कितनी लाइन खींची जा सकती हैं थ्रो, मतलब एक गिवन पॉइंट के द्वारा, मतलब एक बिंदु से। सबसे अच्छा सिस्टम ऐसा है, देसी भाषा में समझो, कि अगर एक बिंदु है कहीं पर तो उससे कितनी लाइन खींची जा सकती है उससे होते हुए। और दूसरा कहता है कि अगर टू पॉइंट है कहीं, मतलब दो बिंदु हैं, तो इन दोनों से होते हुए कितनी लाइन खींची जा सकती है, यही आपको बताना है। कह रहा कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रो, मतलब निम्नलिखित के द्वारा कुल कितनी लाइन खींची जा सकती हैं। देखो यार, सिंगल होने का फ़ायदा ही कुछ और है, मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, है ना। मतलब जो मन वो करो, जब मन तब सो, जब मन तब उठो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, चारों तरफ से फ्री। जहाँ डबल हुए तहाँ टेंशन शुरू हुई, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, समझ रहे हो ना। तो बस वही हाल यहाँ पर भी है, एक सिंगल पॉइंट से होते हुए अनंत लाइन खींची जा सकती है। मतलब इधर को भी गया, उधर को भी गया, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, ऐसे ऐसे कितना भी खींच डालो, इनफाइनाइट। लेकिन डबल जहाँ हुआ तहाँ फिर जिंदगी यहीं पर क्या होती है, एक निश्चित हो जाती है, एक निश्चित दिशा में, बस केवल एक ही लाइन खींची जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। कैसे, वो आपके सामने है। तो ये समझ गए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज थी ये कौन सा, अरे यार 4.1 क्लास 6 की एनसीईआरटी मैथ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलो 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिख लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 4.1। ध्यान से देखना, आपसे विनम्र निवेदन है यार, क्लास को पूरा देखना भाई, ठीक ना। और लाइक नहीं किया तो तुरंत कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, जिससे आप ऐसे घर बैठे और भी क्लास देख सकें। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु पी। देखो पहले इसका मतलब समझो, क्या है ये, करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। निम्नलिखित, 5वां क्वेश्चन सुनो और लिखो जल्दी से, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। अब निम्नलिखित मतलब कौन सा है, निम्नलिखित ये निम्नलिखित, वो लाइनें लिख लिया जो बोला ना, नहीं सुना तो पीछे कर लो वीडियो, थोड़ा सा फिर से लिख लो। चलो, कहता बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसमें यह दिखाया गया हो कि बिंदु पी जो है वो रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, ऐसा कुछ करना है भाई, तो कर लोगे ना। देखिए हमें क्या करना है, एक रेखाखंड दिखाना है जिसका नाम है ए बी और उसमें क्या हो, बिंदु पी स्थित हो, है हो गया, स्थित हो गया पी। चलो बहुत अच्छा, अगला का कहता है, कहता कि रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम को प्रतिच्छेदित करती हैं। मतलब ऐसा कोई जुगाड़ बनाओ जिसमें ये दिख रहा हो कि बिंदु जो है एक्स वाई और पी क्यू ये प्रतिच्छेदित करती दिखाई गई हो, किसको, बिंदु एम को। तो साथियों इसे तो बहुत सिंपल सा है यार, दिखा सकते हो आप सामने लाके, देख लो फटाफट आप भी। चलो, बिंदु यम को प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब यम बिंदु कहीं रख दो एक जगह, ये लो हो गया। अब इसको प्रतिच्छेदित करने का मतलब इसको काटती हूँ इसी पर, यम को या यम पर, ऐसा कुछ होगा। देखो यम पर, हाँ कह रहा है यम को नहीं, यम पर प्रतिच्छेदित करती हैं ये, यम पर मतलब, चलो ये लो मैंने खींच दिया, एक्स वाई बोल रहा था तो एक्स वाई लिख दिया, और का बोल रहा है पी क्यू, तो भाई पी क्यू मतलब एक और कर दो प्रतिच्छेदित, मतलब जो इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट जानते हो ना, इसी को इंग्लिश में प्रतिच्छेदित करना कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसमें के दो पार्ट हो गए, तीसरा और चौथा पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे, ध्यान से समझना, और अगर मैथ सीखना है यार तो क्लास को पूरा देखा करो यार। चलिए देखिए, इसमें जो दो क्वेश्चन और भी हैं उनको भी ध्यान से देखना यार, और पूरा देखना कम से कम, जिससे कि समझ में आए। देखो अगला कह रहा है कि रेखा यल पर
ई और एफ स्थित हैं परंतु डी नहीं है, मतलब एक ऐसा लाइन बनाओ जिसमें रेखा जो यल हो उस पर ई और एफ स्थित हो लेकिन जो डी है वो स्थित ना हो। तो ऐसे लेके के लिए क्या करोगे, एक लाइन खींच दिया मैंने, इसका नाम क्या है रेखा यल, कह रहा कि इस पर ई और एफ स्थित है, ये लो मैंने ई और एफ को स्थित करा दिया, फिर कह रहा परंतु डी इस पर स्थित नहीं है, तो ये लो मैंने यहाँ डी लिख दिया बस उसी के बगल में, लेकिन डी उस पर स्थित नहीं है, समझ गए ना। तो जल्दी से लिख लो इसको, फट से वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोक लीजिए, मतलब वीडियो को पुश करिए और नोट करिए, हो गया। चलिए, और नहीं अगर लिख पाते इतनी जल्दी में तो वीडियो को बिना रोके ना लिखा करिए, चूंकि चल जाता आगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसे आप यूट्यूब पर डेमो वगैरह देख रहे हैं तो। और हाँ, अगर रेगुलर क्लास करनी है, पूरा मैथ सीखना है, तो ऊपर के नंबरों पर संपर्क करके क्लास को अवश्य ज्वाइन करें। ओ पी, ये रेखा का चिन्ह है ऊपर, ओ पी रेखा और ओ क्यू रेखा बिंदु ओ पर मिलती है, मतलब ओ पी और ओ क्यू जो हैं ये दोनों रेखाएं कहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, कह रहा बिंदु ओ पर मिलती हैं यार, तो ओ लिख दो ना, रेखा का नाम क्या है ओ पी, ये लो ये ओ पी हो गया और ये ओ क्यू हो गया, नहीं सही है क्या ये गड़बड़ है यार, ओ पी और ओ क्यू नहीं था ऐसा, हाँ ठीक है ओके 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 है ओके ओके। देखो इधर क्या कह रहा था, रेखा OP ना, तो ये देखो ये हो गया OP, हाँ ये OP हो गया और ये क्या हो गया OQ, कहाँ मिलती हैं O पर, ये O पर मिल रही, समझ गए ना, बात सिद्ध हो गई ना, ये पॉइंट जो है O है, तो ये रेखा क्या हो गई OP हो गई, ये OQ हो गई, दिखा दिया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी डन हो गया। एक क्वेश्चन और बच रहा है साथियों, 6 नंबर, उसको भी देख लो यार, बहुत ही मज़ेदार है ये, बस पूरा देखना, मतलब इंड तक देखना क्लास को, भागना नहीं। साथियों देखिए, अगला क्वेश्चन तो हम आपको इसी में बता दे रहे हैं फिलहाल, लेकिन आपसे निवेदन है कि क्लास को आप पूरा देखा करो, अन्यथा हम फिर बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम छोटा छोटा बनाएंगे, दो दो मिनट पाँच पाँच मिनट का, मतलब एक एक क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, उसका एवरेज व्यू जो है बहुत कम हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो मैं लास्ट आपको वार्निंग दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि अगर आप जो भी वीडियो हम आपको देंगे 30 मिनट 45 मिनट कहोगे तो हम 3-3 घंटा के क्लास देंगे, लेकिन आप पूरा देखा करो, वो भी बिना डाउनलोड किए ऑनलाइन, तभी हम आपको क्लास दे पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाएंगे, फिर आप लोग परेशान होंगे। और अगर इतना करेंगे तो हम आपको सारी क्लास देंगे यूट्यूब पे, लेकिन ऑनलाइन देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर जो वीडियो आपको दें उसे पूरा देखो, मतलब बीच में हटाना नहीं। चलिए, 6ठा कहता है कि रेखा यमयन की संलग्न आकृति को देखिए और इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, और वो कथन क्या है मैं आपको सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले इस आकृति को देख लो, एक रेखा खींची गई है जिस पर क्यू एम ओ एन पी ये बिंदु रखे गए हैं, दिख रहे हैं आपको। तो चलो अब ये बताओ ये सही है कि गलत है, इनको ध्यान से सुनना, क्या है उसको सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। कह रहा है सत्य असत्य निकालना है, कह रहा कि क्यू एम ओ एन और पी, क्यू एम ओ एन और पी ये रेखा किस पर स्थित हैं, एम एन पर स्थित हैं, बताइए ये रेखा एम एन पर स्थित हैं, हाँ बिल्कुल स्थित है, सत्य बात है भाई, देखो जो जो नाम मैंने बोला सब इसमें है ना स्थित, मतलब क्यू एम ओ एन पी मतलब सत्य है, पहला क्या है सत्य है। अगर आपके पास कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक है तो आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, लास्ट क्वेश्चन ऐसे दिया है। अगला सुनिए, इस आकृति को देख के बताना सत्य है या असत्य है, ज्योमेट्री सीखना है तो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, फिर से सुनो। अगला कह रहा कि यम ओ और यन रेखाखंड एम एन पर स्थित हैं, फिर से सुनिए, एम ओ एन रेखाखंड यम यन पर स्थित हैं, हाँ स्थित हैं, देखो सब तो दिख रहा है इसमें, यम भी है और ओ भी है और यन भी है, इसका मतलब ये भी क्या है सत्य है, बहुत ही अच्छे से समझिए। अगला सुनो क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पर, नहीं समझ में आएगा बताना, देखो जो जो बोल रहा है सब इस पे दिख रहे हैं तो है और नहीं दिखेंगे, नहीं है। अगला कह रहा है कि यम और यन रेखाखंड यमयन के अंत बिंदु हैं,
यम और यन, यम और यन यानी ये यम और ये यन रेखाखंड यम यन के अंत बिंदु हैं। अंत बिंदु मतलब लास्ट पॉइंट हैं। हाँ, रेखाखंड अगर यम यन हम खींचेंगे तो भाई ये यन है, ये यम है, तो अंतिम बिंदु तो है ना, ये दोनों छोर छोर से अलग अलग है ना, मतलब अंत अंत पे है ना। तो सही बात है, बिल्कुल ये सत्य है, मतलब रेखाखंड यमयन के लिए अंत बिंदु है लेकिन इस पूरी लाइन के लिए नहीं है, तो ये क्या होगा, सत्य होगा इसके अकॉर्डिंग। अब डी वाला देखो, अगला देखो डी वाला क्या कहता है। डी वाला मैं आपको इंग्लिश में बता दूं क्या, इंग्लिश में सुना दूं पढ़ के? चलो देखो इंग्लिश में सुन लो डी वाला, ध्यान से सुनना यार। कह रहा कि ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। लाइन सेगमेंट मतलब होता है रेखाखंड। ओ एंड एन, पहले देखो ध्यान से कहाँ कहाँ है ये ओ और एन, ये ओ और ए एन। कह रहा कि रेखाखंड कौन सा, ओपी, ओपी का ये अंतिम पॉइंट है। देखो ओ तो यहाँ है और पी यहाँ है, मतलब ओ यहाँ है पी यहाँ है, रेखाखंड जिसकी बात कर रहा ओ एन की ये यहाँ है, तो यार ये रेखाखंड ओ एन का कहाँ अंतिम पॉइंट है, ये तो ओ एन सिर्फ यहीं तक है, पी तो यहाँ भाग जा रहा है, समझो रेखाखंड ओ एन तो यहीं तक है, बस इतना है। अगर इसके बीच में या यहाँ यहाँ होता तब हाँ सही था, लेकिन ये यहाँ कहीं और जा रहा है, इसका मतलब ये फाल्स है, मतलब असत्य है। चलो अगला ई वाला देखो, बहुत ध्यान से समझिए। कह रहा कि यम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ क्यू। यम जो है वो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड ओ क्यू का अंतिम बिंदु है, बताओ है कि नहीं है। यफ वाला, यफ वाला कि ई वाला, अभी ई वाला देखना है ना, आप लोगों को बड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, तो चलो हिंदी में सुन लो। हिंदी में कह रहा कि रेखाखंड यम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। यम जो है ये यम रेखाखंड, यम रेखाखंड नहीं, लिखा तो एक में है लेकिन समझने की कोशिश करो, कह रहा है यम रेखाखंड ओ क्यू, तो यम तो रेखाखंड है नहीं, यम एक बिंदु है, यम रेखाखंड ओ क्यू, ऐसे पढ़ो तो समझ में आएगा, यम रेखाखंड ओ क्यू के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है। देखो यार ओ यहाँ है और क्यू यहाँ है, ओ यहाँ है कहाँ है, ये है और क्यू यहाँ है, तो ये यम इनमें से अंत बिंदु पे कहाँ है, नहीं है ना, बीचों बीच में है ना, तो इसका मतलब क्या है, गलत है, ये फाल्स है यानी कि असत्य है। लिखा क्या है, कह रहा है कि जो यम है वो ओ क्यू का एक अंतिम पॉइंट है, अंतिम पॉइंट नहीं है तो मध्य पॉइंट है जी। चलो अब यफ वाला देखो, कह रहा है कि यम यम किरण ओपी के ओपी पर एक बिंदु है। यम यानी ये यम, किरण ओ क्यू, ध्यान देना किरण ओ क्यू पर एक बिंदु है, ओ क्यू बोल रहा है कुछ और था यार, किरण ओपी। अब देखो किरण ओपी कहाँ है, ओ यहाँ है और पी यहाँ है, यानी यहाँ से लेकर के जो इधर को किरण बन रही इसके बारे में बात कर रहा है, कहाँ से, इस ओ से लेकर इधर साइड के बारे में जो ये किरण बन रही ए रो, ये तो कह रहा है कि यम उस पर एक बिंदु है, कहाँ है भाई, यम तो काफ़ी पीछे है उससे, ये तो यहाँ शुरू होकर उधर को जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये असत्य है या फिर फाल्स है। यफ वाला भी क्या है, असत्य है या फाल्स है, इसे आप लगा लो फटाफट। अब चलो जी वाले पे चलते हैं, जी वाला सुनो का कहता है, ए जी ओ जी सुनो, ए जी ओ जी सुनो जी। कह रहा कि किरण ओ पी, किरण ओ पी, किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं, आर ए वाई रे, किरण ओ पी किरण क्यू पी से भिन्न है। भाई किरण ओ पी देखो कहाँ है, ओ यहाँ है पी यहाँ है, मतलब ये ओ पी किरण ओ क्यू से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, 36 का आंकड़ा है, इसका खोपड़ी उधर को जा रही है, उधर को इसका इधर को आ रही है, दोनों अलग अलग जा रहे हैं अलग अलग दिशा में, तो इसका मतलब भिन्न है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी कि ये लाइन ट्रू है। अगला भी सुनना ध्यान से, और नहीं से अगर सुनना है नहीं समझ में आ रहा तो बता दो, हम बंद कर दें, बिल्कुल परेशान ना होना क्योंकि हम चिल्लाएंगे नहीं फालतू का, कमेंट करके बताओ जल्दी से कुछ समझ में आ रहा ना। चलो अगला सुनो, चित्र यही देखना है, बताना है कि गलत है कि सही है बस, और अगर आपको ज्योमेट्री आती है, ज्योमेट्री आपने पढ़ा है तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं समझा भी तो रहा हूँ। चलिए
यच वाला कह रहा कि किरण ओपी, किरण ओपी, देखो किरण का मतलब ये हुआ, ये ओपी का मतलब जैसे यहां पर ओ लिखा है यहां पर पी लिखा है, तो ये क्या हो गया, किरण ओपी हो गया, समझ गए ना बाबूजी। चलो किरण ओपी वही है जो किरण ओएम है। अब देखो ओपी कहाँ है, ओ यहां है पी यहां है, तो ये हो गया ओपी। कह रहा कि वही है जो ओएम है, यार ओ और यम, ओ एम अगर किरण बनेगी तो इधर साइड को बनेगी, तो ये क्या होगा यच वाला, हमें तो नहीं लगता कि वही है, अलग अलग हो रहा ना दोनों, क्या हो रहा है, दोनों दोनों अलग अलग हो रहा है ना, इसका मतलब वही नहीं है, अलग अलग है दोनों भाई, देखो वो उधर है उधर है, तो ये असत्य है। एक बार फिर से समझ लो, कह रहा कि किरण ओ और पी वही है जो कि ओ एम है, तो ओ एम तो इधर साइड है, ओ पी उधर है, तो कहाँ वही रहेगा, एक यूपी के हैं तो दूसरा गुजराती है, तो कहाँ से मेल खाएगा। हाँ यूपी बिहारी होते तो हो सकता था। चलो एच हो गया, आई वाला देखो, आई वाला कह रहा है का कह रहा है, चलो हिंदी में पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनना, कह रहा कि किरण ओएम किरण ओपी के विपरीत नहीं है, फिर से सुनो, कह रहा किरण ओएम ओपी के विपरीत नहीं है, ओ देखो यहाँ ओ है यम, ओ एम जो है वो ओपी के विपरीत नहीं है, भाई ओपी मतलब ये इधर को जा रहा है, इसका एरो इधर को है, और क्या कह रहा है, ओएम, ओएम मतलब इधर साइड के है, तो ये क्या बोल रहा है, ओ सॉरी ओएम और ओपी बोल रहा है ना, कह रहा विपरीत नहीं है लिखा है, जबकि ये विपरीत है ना, लेकिन ये लिखा क्या है, ये लिखा है कि विपरीत नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, गलत होगा ना, मतलब गलत लिखा है ना, गलत लिखा है, लाइन गलत लिखी है, कह रहा है कि ये विपरीत नहीं है, लेकिन जबकि क्या है, विपरीत है, इसका मतलब लाइन गलत लिखी है, तो ये क्या होगा सत्य। कहीं कहीं आप लोग जान के भी कंफ्यूज हो जाते हो। जे वाला सुनो, जे वाला कह रहा कि किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु है नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट, किरण ओपी, ओपी कहाँ है जी, देखो ये ओपी के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, जे वाला कहाँ है ओपी का प्रारंभिक बिंदु, है क्या, नहीं है, कहाँ है, इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या, ये भी असत्य है, क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ कहीं शुरू हुआ होता, कहने का मतलब शुरू कहाँ से हुआ है, तो अगर ये इतना होता, इतना होता, यहाँ पर बिंदु P होता, यहाँ पर O होता, तो हम कह सकते थे कि हाँ इसका प्रारंभिक बिंदु है, वो कहाँ है, O है, लेकिन वो तो बीच से निकल रहा ना, तो इसका प्रारंभिक बिंदु नहीं है। लास्ट वाला देख लो, इसमें का क्या कहता है, कह रहा कि यन, यन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, यन जो है यानी ये यन, एन पी, एन पी मतलब है ये एन और पी, और एन एम का ना, हाँ एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, हाँ है, क्योंकि एन पी अगर बोलेंगे तो एन से इधर को जाएंगे, अगर एन एम बोलेंगे तो एन से इधर को आएंगे, इसका मतलब दोनों स्टार्ट यहीं से हो रहे हैं ना, तो जब यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या है, ये सत्य होगा। तो इस तरह से साथियों एक्सरसाइज 4.1 आपका खत्म हो चुका है, आप लोगों से विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि स्वीकार करें प्रभु, और इस क्लास को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक ना, इतना जरूर करना यार, अगर इतना करोगे तो हमारी कोशिश होगी हम भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे और आपके लिए सारी क्लास उपलब्ध करवाएंगे, एक आसान तरीके से आपको सब कुछ मिलेगा। चलते चलते आपको बता दें जल्दी से एक चुप्पी से बात, वो क्या है कि अगर अभी तक आपने PBR स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर पर लिख के ढूंढना PBR स्टडी ऐप्स, वहाँ पर आपको कक्षा 1 से लेकर 10 तक की NCERT मैथ का कंप्लीट सलूशन एक मज़ेदार तरीके से मिल जाएगा, ऐसे जो कराई करते करते क्लास खत्म हो जाएगी तो समझ में भी आएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना और अपनी वाली का ख्याल रखें और इस क्लास को शेयर जरूर करें।